अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल लेमन पेपर चिकन की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ और जिसको देख के यकीनन आप लोगों के मुंह में भी पानी आ जाएगा और आप लोग इसको बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा। तो यह हम ले रहे हैं 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा चिकन। सबसे पहले हम इसको मेरीनेट करेंगे और मेरीनेशन के लिए हम 1-2 मसाले ही यूज़ करेंगे। चिकन को हमने अच्छे से धो लिया है, इसके बाद हमने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसमें 6 टेबलस्पून के बराबर दही डाल देंगे। दही को पहले अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें शामिल करें। 1/2 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और 1/2 लेमन इसके ऊपर स्क्वीज़ करेंगे। यह मेरे पास बड़े साइज़ का लेमन है तो मैं 1/2 ही यूज़ करूँगी। अगर छोटे साइज़ का लेमन हो तो फिर 2 ही डालिएगा, क्योंकि हम लेमन पेपर चिकन बना रहे हैं तो लेमन इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा और काली मिर्च भी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। थोड़ा हमने अभी डाला है और थोड़ा हम बाद में डालेंगे। सारे चीज़ें डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ, वो ये कि लेमन के जगह आप लोग सिरका नहीं डाल सकते, क्योंकि हम लेमन चिकन बना रहे हैं तो इसलिए इसमें लेमन ही जाएगा। अब इसको 2 घंटे मेरीनेशन के लिए रख देंगे। 2 घंटों के बाद चिकन हमारा अच्छे से मेरीनेट हो चुका है। अब हम चिकन को देसी घी या बटर में फ्राई कर लेंगे। देसी घी या बटर की जगह आप लोग वनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। घी गर्म होने के बाद अब हमने इसमें 2 जवे लहसुन के काट के वो डाल दिए हैं। लहसुन को हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे, फिर इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले हम नहीं डाल रहे हैं तो इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा लहसुन के जवे लिए हैं, इससे चिकन का फ्लेवर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। अब हम इसमें चिकन के एक एक पीस उठा के डाल देंगे। जो मेरीनेशन बच गया है उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। पहले हम चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बस हल्का सा हम इसको ब्राउन कर लेंगे। जब चिकन के एक एक पीस के ऊपर हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए तो फिर हम इसमें वो बचा हुआ मेरीनेशन ऐड कर लेंगे और साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे। अब इसी पानी में हम चिकन को 10-15 मिनट के लिए कुक करेंगे। चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा और काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और जो 1/2 लेमन बच गया था इसको स्लाइसेस में काट के ये भी डाल देंगे। खुशबू और जायके के लिए हमने इसमें धनिया के पत्ते काट के वो डाल दिए हैं और 3-4 हमने साबुत मिर्ची भी डाल दी है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसको 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे। और लेमन पेपर चिकन में आप लोगों ने नोट किया होगा कि इसमें ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी होती है, तो ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए हमने इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का घोल डाल दिया है। कॉर्नफ्लोर डाल के 2-3 मिनट और कुक करेंगे। रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं कि चिकन हमारा कितना अच्छे से गल चुका है और रेस्टोरेंट स्टाइल लेमन पेपर चिकन की रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दी इजाज़त, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।